हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है हमारा का टॉपिक जो है वो अग्निशामक है। जो आग बुझाने का काम करते हैं उस यंत्र को अग्निशामक कहते हैं, जो पेट्रोल पंप पे आप लोगों ने देखा होगा और भी ऑफिसों में रखे रहते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं और उनको दबा के जो उसमें से केमिकल निकलते हैं या धुआं सा निकलता है या पाउडर सा निकलता है, उसके ज़रिए हम आग को बुझा सकते हैं या पानी नुमा भी होते हैं। तो उनकी जो है AMC और CMC और फायर एक्सटिंग्विशर नाम है इसका, और अग्निशामक भी कह सकते हैं। उसकी कैटलॉग हम जेम पे कैसे बना सकते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। अग्निशामक की जो कैटलॉग आप बनाओगे तभी आप उससे रिलेटेड जो भी टेंडर निकलेंगे जेम पे, तभी आप टेंडर डाल सकते हो, टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अग्निशामक की हम कैटलॉग कैसे बना सकते हैं जिसका नाम इंग्लिश में एक्सटिंग्विशर है, ठीक है? तो उसकी कैटलॉग हम कैसे बना सकते हैं, उसकी AMC हम कैसे ले सकते हैं, उसकी CMC कैसे ले सकते हैं, चाहे वो मंथली बेसिस हो, ईयरली हो, तिमाही हो या छमाही बेसिस, जो भी AMC या CMC हम उसकी अग्निशामक की कैसे ले सकते हैं और उसकी कैटलॉग कैसे बना सकते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे हम AMC / CMC ऑफ फायर एक्सटिंग्विशनर की कैटलॉग कैसे बना सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसे हम जो है फायर वाली कैटलॉग बनाएंगे। तो कैटलॉग में जाएंगे, कैटलॉग में फिर सर्विस पे, सर्विस पे फिर ऐड न्यू पे ऑफरिंग पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है? अब इसमें आ जाएगा तो इसमें हम सर्च वाले उसमें सर्च सर्विस नाम में वो करेंगे अपना, AMC या फायर का नाम डाल सकते हो आप डायरेक्ट फायर वाला। तो AMC / CMC ऑफ फायर एक्सटिंग्विशनर या अग्निशामक भी बोल सकते हो इसको, जो दूसरे नंबर पर दिखा रहा है, ठीक है? इसकी जो है हमें कैटलॉग बनानी है, जो आपने पेट्रोल पंप पे देखे होंगे या होटलों में जो आग उग बुझाने के काम आते हैं उसकी ये कैटलॉग बना रहे हैं, उसी से रिलेटेड टेंडर निकलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो उसकी कैटलॉग आज हम बनाना सीख रहे हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब तभी कैटलॉग बनेगी और क्या क्या डिटेल वाली। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद अब इसमें वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करना है हमें। जो 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 चीज़ें मांगेगा वो अपने आप मांग लेगा, ठीक है? इसमें रेट सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस जो भी है, वैलिडेट एंड सेव पे हमें जो है क्लिक करना है और वो अपने आप। अब देखो ना, इसमें रेट में मांग लिया है और प्राइस मांग लिया है इसमें। तो इसमें ऐड रो पे क्लिक करेंगे जिससे हमें अपनी चीज़ें डालनी है, किस किस उसमें करना है। आप प्राइस ऑन डिमांड भी कर सकते हो या बाद में कर सकते हो। अब यहाँ पर टाइप ऑफ बिल्डिंग में जो है आपको कैटलॉग सेलेक्ट करनी के, एजुकेशनल होगा, रेजिडेंशियल, तो इसमें से जो है आपको सारे सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूशन, असेंबली, बिजनेस, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल, ठीक है? और स्टोरेज, हजार रूज, मिक्स्ड वाले भी। अब इसमें टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशनर, ठीक है? तो इसमें आप जो है एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा देखो रेड दिखा दिया तो दूसरे को एक साथ नहीं कर सकते, उसको हम नीचे ऐड कर लेंगे। तो बार्टर बेस पहले वाला कर लेते हैं जो बार्टर की तरह होते हैं, ठीक है? इसमें फायर ऑफ एक्सटिंग कैपेसिटी, इसमें हमें सारे सेलेक्ट कर देने हैं क्योंकि टेंडर किसी में भी निकल सकता है, तो आगे आपको दिक्कत ना हो इसलिए इसको आप सारे सेलेक्ट कर दो, या आप जिस जिस जितने लीटर का आप प्रोवाइड करवा सकते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है? क्योंकि कभी कभी कंबाइंड टेंडर भी निकल जाता है तो उसमें कोई सा भी लीटर मांग सकते हैं हम। तो पूरा 50 लीटर, 75 और 100 लीटर तक आप इसको सेलेक्ट कर लो या जो आपको डालना है वो है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कंप्रेसिव रहेगा नॉन कंप्रेसिव, तो दोनों एक साथ नहीं कर सकते तो एक ही रखेंगे पहले कंप्रेसिव, ठीक है? अब नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, इसमें जो है हम देखेंगे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है तो नॉट एप्लीकेबल देख लो क्या है। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर मटेरियल नॉट एप्लीकेबल। एज ऑफ फायर, तो इसमें कितने उसका रहेगा, विद इन 1 ईयर का रहेगा, 1 से 2 का रहेगा, 2 से 3 का, 4 का, जितना भी है सारे सेलेक्ट करने हैं आपको, ठीक है? जो भी आपके पास हो या तो आप अपने हिसाब से उस पर सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको पूरे ऐड कर देने, क्योंकि टेंडर जो निकलते हैं वो मिक्स्ड निकलते हैं, कुछ भी डिमांड उसमें मांग सकते हैं। स्टेट, कौन से स्टेट में आपको डालना है, अगर इसमें सेलेक्ट हो आप कर सकते हो दिल्ली, UP, हरियाणा, या आपको सारे डालने तो आप सारे सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके जो 1-2 स्टेट हैं आप उनको जो है इसमें जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे जो जो स्टेट हैं
वो हम इसमें अपना सेलेक्ट करेंगे। आपको जो भी अपने स्टेट सही लगे वो आपको इसमें सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि उसी एरिया के फिर आप टेंडर डाल पाएंगे इसमें जो उस स्टेट के होंगे। जैसे यूपी का है तो आप यूपी सेलेक्ट करोगे तो यूपी के ही अंदर के आप टेंडर डाल पाओगे, अगर कोई बाहर स्टेट का होगा तो वो नहीं हो डाल पाओगे। तो उत्तर प्रदेश डाल दिया है, ठीक है, उत्तराखंड डाल दिया है, अब यहाँ पे दिल्ली डाल सकते हो, दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली के बाद आप बिहार डाल सकते हो, हरियाणा डाल सकते हो, जो आपको मतलब डालने हैं वो आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। पंजाब और राजस्थान भी डाल सकते हो, बिहार, जहाँ जहाँ मतलब आप काम कर सकते हो वाले स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको स्टेट सेलेक्ट करने हैं इसमें। और वेस्ट बंगाल, अगर वेस्ट बंगाल भी कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट टाइम ऑफ रिपेयरिंग एंड रिफिलिंग ऑफ फायर, तो इसमें जो है आपको यस और नो दोनों सेलेक्ट कर लेने हैं, कि क्योंकि टेंडर कैसे भी पहुँच सकता है, यस और नो। अब नीचे अगर प्राइस डालने हैं, आपको पता है प्राइस, तो प्राइस डाल दो, नहीं तो प्राइस ऑन डिमांड पे आप क्लिक कर सकते हो, जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना एडिट के बराबर में प्राइस ऑन डिमांड, अब वो प्राइस नहीं मांगेगा, ठीक है। अब ऐड ड्रॉ कर लेंगे हम, आप देख सकते हैं इधर प्राइस ऑन डिमांड कर दिया, तो प्राइस ऑन डिमांड आ गया। अब ऐड ड्रॉ करके दूसरी जो है, अभी तो हमने कंप्रेहेंसिव लिया था, आपके नॉन कंप्रेहेंसिव इसमें लेंगे, ठीक है। तो नॉन कंप्रेहेंसिव लेने के लिए जो है हमें ऐड ड्रॉ पे क्लिक करेंगे हम। ऐड ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद ही जो है हमें दूसरी कैटलॉग की जो और भी एरिया स्कोप हैं वो हमें इसमें पता चलेंगे, ठीक है। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद हमें इसमें सारे ये जो हैं रेजिडेंशियल एजुकेशन, ये तो हमें हर बार सारे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो हम मैं सारे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसमें सिर्फ एक ही चीज़ सेलेक्ट हो सकती है, बार्टर बेस्ड फायर एग्जिटिंग हमने पहले ऊपर ले लिया था लेकिन उसका कंप्रेहेंसिव लिया था, अब दूसरा तो इसमें सेलेक्ट नहीं होगा, हमने कंप्रेहेंसिव ले लिया तो अब इसका नॉन कंप्रेहेंसिव लेंगे। लीटर हम सारे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लीटर में सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नॉन कंप्रेहेंसिव हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर कंज्यूमर टू बी प्रोवाइडेड और दोनों सेलेक्ट करने हैं, और बाकी चीज़ें भी जो आएंगी, ईयर कितने साल तक का रहेगा वो भी, और बाकी प्राइस ऑन डिमांड तो हमने कर ही रखा है। स्टेट इसमें आप स्टेट जो भी आपको सही लगे वो स्टेट आपको इसमें डालने हैं, ठीक है। जिस जिसमें आप काम करना चाहते हो वो वाले स्टेट आपको इसमें ऐड कर देने हैं। तो मुझे जिस जिस स्टेट में काम करना है मैं उसका अपना ऐड कर दे रहा हूँ। मैंने स्टेट ऐड कर दिए, उसके बाद जो है इसमें यस नो का आएगा, तो दोनों आपको करने हैं, यस नो आपको करने हैं। अब उसको जो है प्राइस ऑन डिमांड पर क्लिक कर देना है आपको। नेक्स्ट वाले में भी ये सारे सेलेक्ट कर लेने हैं आपको। ऐड ड्रॉ करते जाइए और कैटलॉग का जो एरिया स्कोप है बढ़ाते जाइए, ठीक है। जो जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका ऐड कर सकते हो। अगर सारे टेंडर डालने हैं तो आप सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। बाटर वाला हो गया था, अब ड्राई पाउडर है, फोम वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, बाटर मिश, तो हम ड्राई पाउडर वाला आपके ले लेते हैं। तो इसमें केजी का हिसाब चलता है, तो ये केजी वाले आपको सारे सेलेक्ट कर लेने हैं, या जिस जिसमें आप प्रोवाइड करवाते हो जितना केजी आप उतना इसमें ले सकते हैं, ठीक है। कैटलॉग बनाने के टाइम 25 केजी, 20 केजी, 44, 50, 75 और 100 केजी, आपके पास जितने केजी के हैं बंडल या वो प्रोवाइड। तो यहाँ अभी यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं ले सकते, कंप्रेहेंसिव और नॉन, तो कंप्रेहेंसिव पहले ले लेंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, और इसमें विद इन 1 ईयर, ये ईयर तो आपको सारे ही सेलेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि आपको टेंडर जो पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने हैं आपको। तो इस तरीके से जो है ना आप कैटलॉग बड़े ही आसान तरीके से बनाते जाएंगे, कैटलॉग बनाना आपको भारी नहीं लगेगा कोई भी। तो अपने स्टेट सेलेक्ट कर लो उसमें, तो मैं अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें।
उसके बाद इसमें यस नो कर देना है, और फिर एक ऐड रो पे हमें दोबारा आना है, ऐड रो पे फिर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे प्राइस ऑन डिमांड कर देना है। ये सारे सेलेक्ट करने हैं। हर बार हमको रेजिडेंशियल, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली, बिजनेस, मर्चेंटाइल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, हजार ड्यूज और मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी। हमने ड्राई वाला कर रहे हैं अब हम, तो ड्राई का आप जो है पहले कंप्रेहेंसिव ले लिया था, आपके नॉन कंप्रेहेंसिव 1 kg है, तो सारे kg हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बगैर कैटलॉग के, जब तक आप कैटलॉग नहीं बनाओगे इस प्रकार के टेंडरों में जो इससे रिलेटेड सर्विस के या AMC या CMC के टेंडर निकलेंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फायर वाली में जो आग बुझाने का, अग्निशामक की जो कैटलॉग होती है, अग्निशामक के टेंडर निकलते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कंप्रेहेंसिव हो गया था, नॉन कंप्रेहेंसिव हम इसमें करते हैं। कंज्यूबल मटेरियल टू बी प्रोवाइडेड बाई बायर और सेलर, दोनों मतलब इसमें कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी प्रोवाइड करवा देता है, कभी कभी हमें खुद ही करना पड़ता है। इसमें ईयर सेलेक्ट, अब यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, मतलब सेम चलेगा उसमें। स्टेट आप जो भी आपको अच्छे लगे वो आप इसमें डाल सकते हैं, जिसमें आपको काम करना है, जिस स्टेट में आप काम कर सकते हो, आप अपनी सर्विस पहुँचा सकते हो वहाँ पर, वो काम आपको करना है, सर्विस और प्रोडक्ट आप पहुँचा सकते हो। विदाउट इस कैटलॉग के आप टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान रखिए। यस और नो कर देंगे। अब नीचे फिर आके हमें फिर नीचे आना और ऐड रो पे क्लिक कर देना है, प्राइस ऑन डिमांड कर देना है, रेजिडेंशियल, एजुकेशनल। अगर आपके पास प्राइस है तो आप प्राइस भी डाल सकते हो, अदरवाइज़ तो आप ये इस तरीके से प्राइस ऑन डिमांड, जब टेंडर निकलेगा तब उसके हिसाब से हम अपने डेट डाल सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट भी कॉल आ सकती है अगर आप अपने प्राइस डाल देते हैं तो। ड्राई वाला हो गया है अब हमारा, अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी कर सकते हो, फोम वाला, वाटर वाला है, क्लीन एजेंट है टाइप, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है आपका हम ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो मतलब इसमें कई तरह के पाउडर और पानी वाला या कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इस तरीके के आग बुझाने की चीज़ें होती हैं जो उसमें, केमिकल कह सकते हो इनको, पाउडर कह सकते हो, जिनसे पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल या ऑफिसों में आग बुझाई जा सकती है, अग्निशामक कहते हैं इनको। तो उसकी ये कैटलॉग है, उसी से रिलेटेड उसकी AMC CMC के टेंडर निकलते रहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो जो है हमें इसके टेंडर निकलते हैं तो वो हमको फिल करने होते हैं। अगर उनको फिल करना है या टेंडर डालना है तो हमें ये कैटलॉग बनानी पड़ती हैं, ठीक है। वो कैटलॉग कैसे बनाते हैं वो आप देख ही रहे हैं, कितना आसान तरीका है कि कैटलॉग इस तरीके से जो है हम अपनी कैटलॉग आराम आराम से बनाते जा रहे हैं, और उसमें वर्क स्कोप, जो जो स्कोप के एरिए हैं या जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं अपनी, उसी हिसाब से आप उसमें ऐड करते जाओ। मैं तो काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड कर रहा हूँ, आप जो जो चीज़ें आपके पास, जैसे 2 लीटर का है, 10 का है, 12 का है, 20 kg का है, या जितने वाला है, 100 kg वाला है, तो आप उसी हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। और जो जो जिस जिस स्टेट में आपको डालना है उस स्टेट का आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कैटलॉग आपको बनाते जाना है, ठीक है। आपके हमने फोम वाला जो है इसमें ऐड कर लिया, फोम बेस्ड, अगर फोम बेस्ड नहीं करना है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाला इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें भी केजी में होता है, दूसरा आप सेलेक्ट करना चाहो तो इसमें नहीं लेता है वो, ठीक है। एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसमें भी कंप्रेहेंसिव और नॉन कंप्रेहेंसिव होता है। ये KG, 2 kg, ये सारे KG मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप जितने KG का प्रोवाइड करवा सकते हैं उतने KG का आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप 25 kg तक ही प्रोवाइड करवा सकते हो तो आप 25 तक ही रखिए, वरना मैं तो, क्योंकि मुझे कंबाइंड टेंडर भी डालना है, तो उस आप ये कंप्रेहेंसिव नॉन कंप्रेहेंसिव दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो कंप्रेहेंसिव हम पहले ले लेते हैं। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा विद इन 1 ईयर 2 ईयर, ये आपको सेलेक्ट करने हैं पूरे। और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे अपना स्टेट लेना है, जिस स्टेट में हमें काम करना है वो स्टेट ले लेंगे हम यहाँ पर अपने। और इसमें यस नो कर देंगे। अब फिर ऐड ड्रॉ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्राइस ऑन डिमांड कर देंगे हर बार की तरह।
यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे, रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, जो मतलब जहाँ हमें काम करना है ये वो एरिया है, कैसे टाइप का ऑफिस रहेगा, बिजनेस में भी या जहाँ भी काम करना होगा, असेंबली रहेगी कोई भी। अब यहाँ पे हमारा ड्राई वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला चल रहा था, उसमें 1 kg 2 kg हमने ऊपर कंप्रेहेंसिव ले लिया था, अब जो है यहाँ पे हम नॉन कंप्रेहेंसिव लेंगे और kg जो जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, आप जितने kg का आप प्रोवाइड करवा सकते हैं आप उतने kg ही इसमें सेलेक्ट करें। मैं तो कैटलॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को कंबाइंड मिक्स टेंडर भी इसके निकलते हैं, तो उस तरह के जो टेंडर निकलते हैं मैं उस हिसाब से इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कैटलॉग, अदरवाइज़ तो आप सारे सेलेक्ट कर लोगे। और आपको भी कस्टम बिड वाले टेंडर इसमें डालने हैं तो, क्योंकि कस्टम बिड में आपको सारे इसमें टेंडर आ सकते हैं, उसमें कुछ भी पूछ सकता है कि इतने लीटर होना चाहिए, इतने लीटर होना चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको अगर सारे ऐड करने हैं तो आप सारे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ तो जो है आपको जितने kg का आप प्रोवाइड करवा सकते हो उतने kg का ही उसमें प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे कंप्रेसिव और नॉन कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव हमने ले लिया था, आपके नॉन कंप्रेसिव करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर टू बी प्रोवाइडेड, ये अगर बायर प्रोवाइड करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों कंडीशन हो सकती हैं, तो हम दोनों को, अब यहाँ पे कितने ईयर तक का रहेगा, अब यहाँ पे स्टेट आ जाएगा आपका, तो जो जो स्टेट में आप काम करना चाहते हो वो आप इसमें कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है ना आप कैटलॉग आराम से बनाते जाओगे, कैटलॉग बनाना कोई भारी बात नहीं है। कुछ कैटलॉग होती हैं जिनमें सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, लेकिन बाकी कैटलॉगों में आपसे सर्टिफिकेट ये नहीं मांगते, हाथों हाथ लाइव हो जाती हैं। कुछ में टाइम लगता है, कुछ में फील्ड ऑफिसर जो है आपको टाइम देते हैं कि इतने दिनों में या इतने दिनों में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है अपने सर्विस प्रोवाइड टू बी क्वाट पर यूनिट रेट फॉर फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग एंड रिफिलिंग ऑफ फायर एग्जीक्यूटिव प्राइस, तो इसमें जो भी आप सर्विस कर सकते हो जितने रुपए में, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर रेट डाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको सर्च किया है कितने रुपए के हिसाब से होती है, तो आप अगर आपको नहीं पता है, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो जैसे देखो यहाँ पर 2650 रुपये यूनिट भी आई है एक, या इतने डॉलर रुपये आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो कि कितने रुपए अग्निशामक भरने के लिए आई एम, कोई 1200 लेता है, कोई 1500 लेता है, कोई 1000 लेता है। तो आप गूगल पे भी अगर किसी चीज़ की आपको अगर जेम में नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, तो आप उसको सर्च कर सकते हो। देखो यहाँ पर रेट 1000 रुपये पर kg के हिसाब से इन्होंने रिफिलिंग साइज कर रखी है, तो आप यहाँ पर जो आपको सही प्राइस लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो हमने 1000 रुपये डाल के वैलिडेट एंड सेव कर देंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, ये बताता है कि 7 डेज़ में आपकी वो अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हमारी सर्विस कैटलॉग सेव्ड हो गई और देखो हाथों हाथ लाइव भी अप्रूव्ड भी हो गई है। ठीक है, तो ये वाली कैटलॉग जो है हाथों हाथ अप्रूव्ड एंड लाइव हो गई है। तो इस तरीके से जो है AMC और CMC और फायर एग्जीक्यूशनर जो अग्निशामक होते हैं उनकी हम कैटलॉग बना सकते हैं। इसका नाम थोड़ा अटपटा है तो वो पढ़ने में थोड़ा वैसा लगता है। ठीक है, अग्निशामक इसको हिंदी में बोलते हैं, जो आग बुझाने का काम करते हैं ये। तो इसकी कैटलॉग बनाने के बाद ही आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो इसकी सर्विस निकलती हैं, AMC निकलती हैं, उससे रिलेटेड जो भी टेंडर होंगे, आप जब लो आपकी कैटलॉग नहीं बनी होगी और अप्रूव नहीं होगी, आप उसमें टेंडर नहीं डाल सकते जैम पे। आप टेंडर जैम पर तभी डाल सकते हो जब इसकी कैटलॉग बनी होगी और इससे रिलेटेड आप टेंडर डालना चाहते हो तो। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अब हम विदा लेते हैं और आगे आने वाली वीडियो में या इस वीडियो में आपको कुछ अगर इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम कैटलॉग बना के अपना टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप टेंडर अब आप सर्च करोगे तो इससे रिलेटेड आपके टेंडर आपके पार्टिसिपेट का उसमें ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।